आपको दिखा दूँ इस साइड से, तो पूरी बाइक हमारी गंदी हो रखी है और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो क्या करते हैं भाई, ट्रिप पे जाने से पहले क्या करेंगे, ऑल ओवर 400 किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है, राइड होने वाली है ये। यहाँ पे जो ये वाला है ना, इसमें फिर फ्रेंड्स कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। और भाई कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस टाइम पूरा दिन हो गया हमें लेटे लेटे, यार बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो यार काफ़ी टाइम हो गया तो, और कुछ प्लानिंग चल रही थी अपनी लॉन्ग राइड की, तो लॉन्ग राइड की तैयारी हो रही है तो उसी लिए हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। मतलब कुछ समय पहले काफ़ी डस्ट वगैरह हो रही थी और गलियां हमारी काफ़ी गंदी हो रही थी जैसे कि मैंने आपको बताई थी। तो ये देखो जैसे पूरी गंदी हो रखी है बाइक, जैसे आप देख पा रहे होंगे, और ये चीज़ मेरे को बहुत गंदी लगती है। पूरी बाइक चमकती रहती है और यहाँ यहाँ मट्टी फटती रहती है, और मतलब ऑल ओवर जितनी भी बाइक मैं आपको दिखा दूँ इस साइड से, तो पूरी बाइक हमारी गंदी हो रखी है और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो क्या करते हैं भाई, ट्रिप पे जाने से पहले क्या करेंगे, ऑल ओवर 400 किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है, राइड होने वाली है ये। 400 किलोमीटर जाना, 400 किलोमीटर आना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि इसकी मतलब क्लीनिंग वगैरह करा दें, बाइक वॉश वगैरह करा लेते हैं, और आज कराएंगे इसको फोम वॉश। और फोम वॉश में क्या पैसे लगेंगे, कैसी रहेगी सफाई, होगी या नहीं होगी, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसी हो जाएगी या नहीं, तो वो सब चीज़ देखेंगे। तो निकलते हैं, उससे पहले एक काम करते हैं, इसमें पेट्रोल भी भराएंगे और क्लीनिंग वगैरह करा के इसको खड़ी कर देंगे, ताकि हमारे ऑल ओवर काम एकदम फिक्स रहें और जैसे ही मैं ऑफिस से आऊं और अगले दिन मॉर्निंग में निकल जाऊं, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को ऑफ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं बीच में आज मेरा ऑफ था, इसीलिए सारे काम ऑल ओवर फिनिश करा के इसके खड़ी कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि कितनी गंदगी फंसी हुई है इसमें, ये चीज़ देख सकते हो, ये है मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो निकलते हैं फिर वॉशिंग सेंटर पे, तो जहाँ हम हमेशा अपनी बाइक वॉश कराते हैं वहीं चलते हैं फिर। तो जैसा भी होगा अभी कर देते हैं, मतलब इसको वॉश भी करा लेते हैं, वॉश कराने के बाद फिर पेट्रोल वगैरह भी डलवा ही देंगे। अभी पेट्रोल वगैरह डला के खड़ी कर देंगे, उसके बाद मतलब जो भी होगा तुरंत ही निकल लेंगे, क्योंकि यार इसके बाद जो नेक्स्ट वेनर्सडे है उससे एक दिन पहले हम निकल जाएंगे। तो सोच रहा हूँ कि सब चीज़ काम ख़त्म करके चलते हैं, तो देखते हैं। और फोम वॉश मैं इसको फर्स्ट टाइम कराऊँगा, देखता हूँ क्या चार्ज लगता है, और नॉर्मल वॉश में और फोम वॉश में क्या डिफरेंस आता है, मतलब उससे ज़्यादा साफ़ होगी या नहीं होगी, कैसा रहता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं वॉशिंग के लिए। हाँ क्योंकि फोम वॉश इसीलिए करा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मिट्टी विट्टी सारी हट जानी चाहिए एक बार में। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, जो कि प्रेशर से ही निकलती है, बिना प्रेशर के तो यार हम घर भी धो लेते, भैया कहते बाइक तो साफ है। यहाँ पे जो ये वाला है ना, इसमें ठीक से कर देना,
तो दोस्तों बाइक हो चुकी है अपनी वॉशिंग फुल एकदम एक नंबर की, और अभी गर्म होने के बाद हमने इसको स्टार्ट करा था, धुआं निकल रहा है क्योंकि भाई गर्म हो रही है, और घर चल के इसको मारते हैं पॉलिश क्योंकि यार अपनी वही मैंने जो आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताई थी अपने पास है मैट के ऊपर करने वाली, क्योंकि इस पर तो अपनी PPF है तो जितने भी मैट वाला एरिया है उस पर सारी पॉलिश कर देंगे। उससे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं पेट्रोल डला लेते हैं, पेट्रोल डलाने के बाद पॉलिश मारने के बाद इसको घर पर खड़ी कर देंगे आराम से, और फिर जिस दिन राइड होगी उस दिन निकलेंगे आराम से मॉर्निंग में, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि यार अगर अकेले ब्लॉगिंग ही करनी हो ना तो कोई बात नहीं भाई, ऑफिस भी जाता हूँ और काफ़ी कम टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए फिर निकलते हैं, एक बार इसको पेट्रोल फिल करा के आते हैं और फुल टैंक करा लेते हैं, और चलते चलते मैं आपको बताता हूँ भाई। बाइक तो काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है फोम वॉश के बाद, भाई फ़र्क तो होता है, एक आप शैम्पू से करते हैं दूसरा फोम वॉश कराते हैं तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन यार कराने का क्या फ़ायदा, इतनी धूल जो उड़ रही है। तो चलते हैं फिर अब पेट्रोल फिल कराते हैं, और बाकी दोनों की कॉस्ट में फ़र्क बताऊं तो जो नॉर्मल वॉश होती है अपनी जैसे तो वो हमारी 100 रुपीज़ में हो जाती है, और फोम वॉश जो हुई है वो अपनी 150 में हुई है सिर्फ 50 रुपीज़ के, और वो भी उसके बाद जब हमने पॉलिश नहीं कराई है, अगर पॉलिश कराएंगे तो 170-200 के करीब ही बैठ जाता है। अरे वाह, अनार चल रहा था यहाँ तो, बढ़िया अनार है ना, दीपावली पे यही खरीद लो, एक लोहा लगा दो और बस चलने दो। तो पहले पेट्रोल डलाने के बाद फिर इसको फिल करेंगे, कोई भी लॉन्ग राइड नहीं करी है और कहीं गए भी नहीं, और कुछ काम भी था अपने जाने का वहाँ पे जहाँ जा रहे हैं तो वो काम भी करेंगे और भाई फुल एंजॉय भी करेंगे, और बढ़िया लॉन्ग राइड होने वाली है मेरे हिसाब से। तो जब लॉन्ग राइड पे निकलेंगे तो बताएंगे सारी आपको डिटेल, कहाँ निकलने वाले हैं, कैसे निकलेंगे और कहाँ जाने वाले हैं हम, वो सारी चीज़ें होंगी। किस नाम से भी आपका? दिल्ली मोटो ब्लॉग। दिल्ली मोटो, अच्छा देख तो मैंने आगे लिया था ध्यान से। के पे या एम पे? के पे है या एम पे है? क्या चीज मतलब के पे फॉलोवर है या एम पे है? अभी तो के पे ही है। ठीक है, फिर जितना हो जाएगा उतना ही डाल देंगे। कुछ जितना होगा मैं उतना ही करूँगा जी, मैं एक्स्ट्रा क्यों करूँगा, बेकार में आपका भी निकल जाएगा, नहीं जाना जी नीचे। चलो कोई नहीं, पहले भी था इसमें। कोई नहीं जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ अब नहीं जाएगा, नहीं तो जैसे नीचे हो जाता है ना,
नहीं ऑलरेडी पहले था, नहीं तो हो जाता। 40.80 कार्ड से कर दो भाई। पेट्रोल पंप के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे, मैंने उनको खुद ही बोला, मतलब भाई आप क्या तारीफ़ करते हो खुद ही, क्योंकि आपको भी पता होगा जब भी मैं आता हूँ इसी पेट्रोल पंप से डलवाता हूँ जो कि सेक्टर 12 में, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रॉपर वे से जो पूरा पेट्रोल है वो दिया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लॉग में, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग के साथ। और फिर से एक बार यही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग और वीडियो में, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग के साथ।